बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक को, जिस उन्वान को हमने इंतखाब जिसका इंतखाब किया है, वो है नशू और सलीम की गुफ्तगू। ये एक नावल है और इसके साथ साथ नीचे जो हम इसको पढ़ेंगे तो ये मुकालमे की सूरत में चलेगा। इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, 1831 में पैदा हुए और 1912 में वफात पाई। ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये भी आपने याद करना है दो चीज़ें, और नीचे इनकी जो बुक्स के नाम हैं वो भी देख लें, मरातुल उरूस, बनातुल नाश, तौबतुन नसू, फसाना मुबतला और इब्नुल वक्त, ये इनके नावल के नाम हैं। पहला नावल ये है मरातुल उरूस, दूसरा नावल है बनातुल नाश। पहले नावल में लड़कियों की तालीम और तरबियत के बारे में बात की गई है। दूसरा नावल है बनातुल नाश, इसमें अमूर खानदारी के बारे में बताया गया है। और आगे है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त कहते हैं कि अपना कल्चर छोड़कर, अपनी जो आदात हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो छोड़कर दूसरी चीज़, दूसरे लोगों की चीज़ों को पकड़ना, यानी कि जैसे कि कहते हैं, मिसाल देते हैं कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, या धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो उसको हम इन मायनों में लेते हैं इब्नुल वक्त, कि वो ना अपने काम पे चल सका ना दूसरों के काम पे चल सका, क्योंकि अपना भी वक्त ज़ाया किया, अपना भी टाइम ज़ाया किया और दूसरों का टाइम भी बर्बाद किया। और तीसरा आगे आता है कि एक नावल, नावल की डेफिनेशन क्या है, ये आपकी बुक के आखिर में देखें जहाँ पे ये लिखा होता है। नावल क्या है, ये अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं नई चीज़, अनोखी चीज़। नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है, उसमें ज़िंदगी का कोई एक वाक़या, एक पहलू और एक चीज़ इस तरह पेश की जाए कि पढ़ने वाले को उसमें दिलचस्पी पैदा हो। ये आसान सी इसकी डेफिनेशन है। और आगे है जो चीज़ें हैं, मुकालमा, जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा बंदे बैठकर आपस में कोई बहस करते हैं, आपस में कोई गुफ्तगुशनीद करते हैं, तो उसको हम मुकालमा कहते हैं। किस्से, कहानियाँ, कहानियों का दौर, राजे महाराजे और शहजादे शहजादियों का दौर था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ उनके गिर्द घूमती थी। जितनी भी कहानियाँ आप किससे देख लें साहब का, वो इन्हीं के गिर्द घूमते थे। कोई भी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, उसमें राजा महाराजा शहजादे शहजादियाँ इनका जिक्र होता है। इश्क़ मोहब्बत के वाक़यात, अनदेखी सरजमीनों की मुहिमात, सहर जादू तिलसम के वाक़यात, जिन भूत परी, परीजाद, जादूगर और इनके चेले, उनका मरकज़ी किरदार होते हैं, यानी कि उनके इन्हीं के गिर्द ये सारे घूमते हैं। और दूसरा है माफ़ोकुल फितरत वाक़यात, अक्सर हमें लुभाते रहते हैं। माफ़ोकुल फितरत, अनोखी चीज़, अजनबी। सबक की तरफ आइए तो शुरू में लिखा हुआ है तारुफ़, कि ये जो इसका यही इसका मरकज़ी ख्याल है। ये जो तारुफ है, जैसे इसको हम पढ़ते हैं, दिल्ली में एक साल हैजी की वबा आई, नसू भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुबतला हो, हैज़ा वॉमटिंग जिसको कहते हैं, हैज़े में मुबतला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आकबत की फ़िक्र हुई। डॉक्टर हकीम ने उसे ख्वाब आवर दवा दी तो वो सो गया, यानी कि वो जो नींद की गोलियां होती हैं वो दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आकबत के दिल दहला देने वाले मनाजर देखे कि क़यामत के दिन क्या होने वाला है, तो वो बड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफी, माफ़ी का अहद करके अपनी बीवी फहमीदा को ख़ानदान की इसलाह के लिए अपना मददगार बनाया कि हम दोनों मिलकर
अपने ख़ानदान की इसलाह करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये जो दुनियावी ज़िंदगी है इसको छोड़ें और आकबत की फ़िक्र करें। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बालाखाने में पर सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए पैगाम भेजा। बेदारा उनका नौकर है, तो उसके ज़रिए उनको पैगाम भेजा। तो ये इसके करैक्टर हैं, माँ सलीम, बेदारा, बाप बेटा, ठीक है, ये इसके करैक्टर हैं। तो इसको आप पढ़ें गौर से, और जब आप गौर से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनके जो सवालात हैं उनके जवाबात आपके जहन में आते जाएंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है। लेकिन उसकी शर्त, इसको बगौर पढ़ना है, समझना है। इसके जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं उसकी बैग पे, बुक बैग पे लिखे हुए हैं, वो आपने याद करने हैं, वो कॉपी पे भी लिखने हैं, और ये जो सवालात हैं इनके जवाबात भी आपने कॉपी पे लिखने हैं, और ख़ुलासा भी आपने कॉपी पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है। और इसके साथ साथ जो ग्रामर है उसमें नोट कर लें कि ग्रामर में आपने जो बी उर्दू बी की जो बुक है ग्रामर, उसमें आपने क्या क्या करना है। नंबर एक, ख़त है वालिद साहब के नाम, वो आपने लिखना है ग्रामर पे, जो ग्रामर की कॉपी पे जो चीज़ आप लिखेंगे वो आपने याद करनी है। दूसरे नंबर पे जो ख़त है वालदा के नाम, वो भी आपने लिखना है और याद करना है। तीसरे नंबर पे ख़त है बड़े भाई के नाम, वो भी आपने लिखना है, याद करना है। और चौथा नंबर पे आ जाती है दरख्वास्त, दरख्वास्त बराए रुख्सत, यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए, उसकी आपने दरख्वास्त लिखनी है। और आखिर में है मुकालमा मरीज़ और तबीब के दरमियान, मुकालमा लिखना है मरीज़ और तबीब, उसको याद भी करना है, उसको लिखना भी है। ये तो आपका हो गया ग्रामर का काम। आप देखें सवालात के जवाबात, तो बेदारा ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया। बेदारा ने सलीम से कहा कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ साहब आपको बुला रहे हैं। जैसे कि वो जो मरकज़ी ख्याल आपने पढ़ा है तारफ़, उसकी आखिरी लाइन पे वही इसका जवाब दिया। दूसरा, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया, क्योंकि उसकी गोद में लड़की सो रही थी, मैं उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमको अकेले अब्बा जान के पास जाने को कहा। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाना चाहता था। एक माह के बाद मदरसे का इम्तहान होने वाला था। सलीम का भाई अपने दोस्त के घर जाकर उससे मिलकर इम्तहान की तैयारी करता था, वहाँ उसे देर हो जाती थी, वहीं से वो मदरसे चला जाता था। यही वजह थी कि सलीम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाता था। सलीम ने चार लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की, ये चौथा सवाल है। सलीम ने अब्बा जान को बताया कि वो चारों लड़के बड़ी खूबियों के मालिक हैं, राह चलते हैं तो नज़रें नीची कर लेते हैं, रास्ते में अपने से कोई बड़ा मिले तो उसे सलाम करते हैं, चाहे उसकी जान पहचान हो या ना हो। हज़रत बी कौन थी, आखिरी सवाल, और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। तो बुक के आखिर में भी लिखा हुआ आखिरी पैराग्राफ में, हज़रत बी उन चारों लड़कों की नानी थी, उन्होंने सलीम को नसीहत की कि बेटा अगर कि तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं तुमको दुआ दूं, जीते रहो, उम्र दराज हो और अल्लाह नेक हदायत दे। बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि जो अपने से बड़ा हो उसे सलाम कर लिया करते हैं। आगे ये मायने लिखने हैं, मायने याद करने हैं जो बैग पे हैं, फिर ख़ुलासा लिखना है, फिर आगे सवाल नंबर चार आ जाता है आपका अल्फाज मायने। ख़बर अखबार, किताब कुतब, मदरसा मदारिस, इम्तहान इम्तहानात, मुश्किल मुश्किलात। आगे देखें पैराग्राफ की तशरीह है सवाल नंबर, खराब रहने दें, सवाल नंबर सिक्स पे आएँ तो पैराग्राफ की तशरीह है, ये आपने करना है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो पैटर्न आपको मैंने बता दिया कि इसका पैटर्न क्या है, हवाला मतन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हल लुगत, मुश्किल अल्फाज के मायने, उसमें कौन कौन सी अल्फाज हैं, कौन से मायने हैं, और आगे उसका
जो है नीचे तीसरे नंबर पे, कि ये पैराग्राफ का जो सियाको सुबाक है वो क्या है, कि इस पैराग्राफ से पहले क्या है और इस पैराग्राफ के बाद में क्या है, और पैराग्राफ जो दिया गया है उसके अंदर क्या है, तीनों चीज़ों को आप जब आपस में मिलाएंगे तो वो उसका सियाको सुबाक बन जाएगा। और आखिर में है उसकी तशरीह, कि एक एक लाइन को आपने खोल खोल कर बयान करना है तो वो उसकी तशरीह बनेगी। आगे है सवाल नंबर 7, MCQs की शक्ल में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये खाली जगह पुर करें। ये हैं, सलीम की उम्र उस वक़्त कुछ 10 बरस की थी, यहाँ पे खाली जगह पे आएगा 10 बरस। दूसरे नंबर पे है, मैं ऊपर खाली जगह लोटा लेने गई थी, ये दूसरा MCQs है, दूसरा खाली जगह है। तीसरे नंबर पे है, सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था, खाली जगह पे आएगा कुछ गुस्सा। आगे है, सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके एक अलग जगह पर जाकर खड़ा हो गया। ये है इसका चौथे वाले का, डरता ऊपर गया और सलाम करके, दो लफ्ज़ आएंगे ऊपर और सलाम खाली जगह पे। आगे, अगले महीने इम्तहान होने वाला है। और सेकंड लास्ट है, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए, खाली जगह पे आएगा शतरंज। आखिरी है, बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। आगे MCQs हैं, सवाल नंबर 8, सलीम को किसने आकर जगाया, सेकंड वाले को टिक करें, बेदारा ने। मियां अकेले बैठे क्या कर रहे थे, तीसरे वाला टिक करें, किताब पढ़ रहे थे। मियां की गोद में कौन सोया हुआ था, तीसरे वाला लड़की। सलीम डरता डरता कहाँ गया, चौथे वाला ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है, पहले वाला मुब्तदी। आखिरी MCQs हैं, खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था, सेकंड वाला है सलीम। तो यही है आज का आपका चौथा सबक, नसू और सलीम की गुफ्तगू और उसके मुसन्निफ, उसके हालात ज़िंदगी, और आगे जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इन पे वो भी आपने करने हैं, याद करने हैं, लिखने भी हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।